इंसान वही कुछ है जो वो सोचता है। इंसान को जो मन बना देता है वही कुछ इंसान बन जाता है। हमारा माइंड क्या सोचता है, ज्यादा क्या सोचें डोमिनेट कर रही हैं आपकी जिंदगी के अंदर, बस आप वही बन जाएंगे। अगर कोई इंसान नाकाम है, परेशान है, बीमार है, तो उसको अपनी सोचों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे माइंड में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि सारी वजह माइंड है। बीमारियों, परेशानियों, जिंदगी को तश्कील करने में जो मेन पावर है, जो मेन फंक्शन है, वो हमारा माइंड है। तो जिस दिन आप अच्छी सोचें सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी जिंदगी प्यार से भरे, प्यार लफ्ज़ ही अपने आप के अंदर एक बड़ा प्यारा है, मोहब्बत लफ्ज़ ही अपने आप के अंदर बड़ा प्यारा है, मेरी जिंदगी सेहत से भरे। सेहत तंदुरुस्ती को जब हम जबान से अदा करते हैं तो एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। मेरी जिंदगी अमन से भरे, खुशहाली से भरे। अब ये सोच है। अब दिन भर आप अपना जायजा ले सकते हैं कि दिन भर आपके माइंड में क्या चलता है, और आपको पता भी नहीं होता क्या चल रहा है। माइंड ऑटोमेटिकली आपसे पूछे बगैर, आपकी मर्जी के बगैर, माइंड ना जाने किन किन एरियाज के अंदर भागता रहता है, और उन एरियाज के अंदर जाने से वो ना जाने कितनी गंदगियां इकट्ठी करता है, कितना तनाव इकट्ठा करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बंदा ये सोचे कि मैंने फलां को ये कर देना है, उसको मैंने कोई नेगेटिव, उसको ये करूंगा, उसको नुकसान दूंगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नेगेटिव सोच सोचें और फिर सेहत को एक्सपेक्ट करें? सेहत नहीं आएगी। आपकी एक्सपेक्टेशन आपकी सोचों के मुताबिक ही चलेगी। आपकी तवक्कुआत वैसे ही पूरी होंगी जो माइंड के अंदर बातें चल रही हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली ये तवक्को बनेगी कि सेहत आएगी। आइए प्यारा सोचें, मेरी जिंदगी प्यार से भरे, खुशियों से भरे, सेहत से भरे, तंदुरुस्ती से भरे, अमन से भरे। और इन सोचों को ज्यादा से ज्यादा दिन भर बरकरार रखें। हम कहते हैं वॉचफुलनेस, माइंडफुलनेस से जिएं, अपने माइंड का जायजा लेते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि माइंड गलत कोई सोच सोच रहा है तो उसके गलत असरात आएंगे। अगर हम इंसानी बॉडी को सर से लेकर पांव तक स्टडी करें या किसी ऐसी मशीन में डाल दें जो इंसानी बॉडी को रीड कर पाए, जो कि अभी तक इस दुनिया में नहीं है, तो इंसानी बॉडी में जज्बात, ख्यालात, आदात, यानी एक डाटा मिलेगा, एक बहुत बड़ा डाटा, और उसी के मुताबिक इंसान की जिंदगी के आसपास जो भी हालात व वाकयात हैं वो पेश आ रहे होंगे। यानी आपकी जो बैरूनी जिंदगी है, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। अगर हम अपने अंदर सेहत को, तंदुरुस्ती को प्रोग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में सेहत आएगी। आए इस बात को सोचें कि मुझे आज के बाद एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ गुजारनी है, मेरे पास एक तरोताज़ा जिस्म हो, मेरा दिमाग फ्रेश हो, ठीक काम करने वाला दिमाग हो, मेरी आँखें बेहतरीन हो, मेरा दिल सुपर फंक्शन में हो, मेरे फेफड़े
तरोताज़ा हों, खुले हुए हों, मेरा मैदा सही बच्चे की तरह, बच्चों का मैदा बहुत ज़बरदस्त होता है, मेरा मैदा बच्चों की तरह काम करे। छोटे बच्चों का मैदा बहुत प्यारा होता है, सही एनर्जी वाला होता है, तरोताज़ा और साफ़ सुथरा जिस्म हो। ज़रा विजुलाइज तो करें ना तरोताज़गी का, कभी विजुलाइजेशन ही नहीं किया तरोताज़गी होती क्या है, एक सेहतमंद ज़िंदगी क्या होती है इसका ज़रा तसव्वुर करें। मेरे पास एक परफेक्ट हेल्दी बॉडी हो, मेरे पास इतनी खूबसूरती हो, इतनी सॉफ्टनेस हो, इतना मज़ा हो इस जिस्म के अंदर कि मैं अपने आप के अंदर इंजॉय करूं, मेरी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाए, मेरे कंधे हल्के फुलके हों, मेरी अपर बैक लोअर बैक बिल्कुल फूल की तरह लाइट हो। ये सोचों से होगा। अगर आप सोच रहे हैं घर का, गाड़ी का और न जाने क्या क्या ख्वाहिशात चल रही हैं, तो आपकी कमर के ऊपर, आपके कंधों, आपके बैक, सारी बॉडी के ऊपर वही कचरा ही इकट्ठा होता चला जाएगा। वही सोचें, किसी जगह के ऊपर जिस्म पर कारोबार पड़ा होगा तो किसी जगह पर दुकानदारी पड़ी होगी, यानी जिस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर कई फाइलें पड़ी होती हैं, सेम ऐसे वजूद के अंदर आपने जो फाइलें क्रिएट की हैं उसी के मुताबिक ही लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे। तो आज सेहत की प्रोग्रामिंग अपने आप को दें, मेरी ज़िंदगी सेहत से भरे। कोई आपको सेहतमंद होने से रोक नहीं सकता, फिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई इस कायनात के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको बीमार करने, आपको परेशान करने के लिए बैठा है। ये पूरा निज़ाम कुदरत आपको सेहतमंद करने के लिए बैठा है, बस हम अच्छी सोच पैदा कर लें। मुझे एक परफेक्ट हेल्दी लाइफ जीनी है, मेरे पास तरोताज़ा और मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, मेरे पास ताज़ा और चमकदार आँखें हों, मेरे पास अच्छी सोचें हों, मेरा रवैया अच्छा हो, मेरे पास कामयाबियाँ हों, मेरे पास अच्छे ख्यालात हों। ये लाइफ को विजुलाइज तो करें, डिज़ाइन तो करें लाइफ को। जिस तरह ये सुबह की ताजगी है, मेरी लाइफ इस सुबह की तरह तरोताज़ा हो। जिस तरह ये परिंदे चहचहा रहे हैं, इसी तरह मेरी ज़िंदगी में एक रिदम हो, एक संगीत हो, एक चहचहाट हो। जिस तरह ये सूरज, सुबह का सूरज सबको एनर्जी दे रहा है, ऐसे मैं सबसे अच्छा रवैया रखूं, सबको प्यार और मोहब्बत बांटने वाला बनूं। ओके, सब लोग लेटे लेटे लंबा और गहरा सांस, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट।